खुशखबरी है, कुछ ही लाखों के फर्क में हमने नेशनल हाईवे का टेंडर अपने नाम कर लिया है। अब हमारे नए मालिक सुमित राघवन जी इस 2000 करोड़ के टेंडर को सिर्फ 6 महीने में पूरा करेंगे। दो सौ करोड़ का इतना बड़ा रोड का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 लाख रुपए के फर्क की वजह से उस सुमित ने मेरे हाथ से छीन लिया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को वापस पाने के लिए उसका मरना बहुत जरूरी है। चाहे कुछ भी हो, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करके रहूंगा। फिक्र मत कीजिए, गांव में घुसते ही हम उसी कब्र खोद देंगे। हाँ, उन्हें इस गाँव में घुसने भी मत देना। उसने मुझे बर्बाद किया है, उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। उधर कौन है? आप क्या चाहिए आपको? आए तेरा मालिक। हेलो सर, हम लोगों को कुछ लोगों ने रोक लिया है सर। स्टाफ के लोगों को मार रहे हैं और हमें धमकी दे रहे हैं। जल्दी आइए सर, वरना हमें नहीं छोड़ेंगे। कौन है वो लोग, क्या चाहिए उन्हें? सर मैं कुछ नहीं जानता, ये लोग कौन है और क्या चाहते हैं सर? तेरा मैं बचा लूंगा सर। तुम हो कहाँ? सर जल्दी आइए सर, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे सर। ठीक है मैं आता हूँ। Thank you.
शंकर। हाय सुमित। शंकर तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? मुझे सवाल ही नहीं उठता। लेकिन तुम तो अमेरिका में थे, यहाँ कब आए और ये सब क्या है? एयरपोर्ट से सीधा तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहा था तो रास्ते में देखा कि कुछ गुंडे औरतों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें छेड़ रहे हैं, तो मैंने बस उनके छक्के छुड़ा दिए। दोस्त आज भी तुम स्लिम ट्रिम ही दिखते हो। है ना? दरअसल जिस तरह मैं मोटा अच्छा नहीं दिखूंगा वैसे ही तुम पतले अच्छे नहीं दिखोगे। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का। शुक्रिया। ये मेरी कंपनी के लोग हैं। कुछ गुंडे इन्हें रास्ते में रोक कर इनके साथ हाथापाई कर रहे थे, पर तुमने यहाँ आके इन्हें बचा लिया। सर नहीं आते तो हम भी नहीं होते। ये इंडिया आ गए, अब देखना ये क्या करते हैं। अरे हमारी खूबसूरत भाभी गंगा कहीं दिखाई नहीं दे रही। यही है भाई। मैडम हेलो। हेलो गंगा कहाँ चली गई? यही तो थी। मेरी तो जान ही निकाल दी। क्या बात है, मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद ये गंगा बिल्कुल सुधर जाएगी, लेकिन ये तो आज भी वैसी ही नटखट और चुलबुली है। इसी चुलबुलेपन पर ही तो मर मिटे थे। गुड गुड, चलो घर चलते। आप लोग आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूं। लव मैरिज के बाद हमने विंदपुरम जाने का फैसला किया है, इस बात से माँ बहुत नाराज है। मैं बाबूजी का आशीर्वाद लेकर आता हूँ। ठीक है। बाबूजी, आज अगर मैं एक कामयाब साइकियाट्रिस्ट हूँ तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आप ही का हाथ है। आपने इस अनाथ को अपने बेटे की तरह पाला, आपके एहसानों को मैं कभी नहीं भुला सकता। भले ही आज आप हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, पर हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। माँ आशीर्वाद दो। जीते रहो बेटा, इतने दिन बाद आया है। लगता है तू तो हमें भूल ही गया था। यहाँ से जाने के बाद एक बार भी तूने फोन नहीं किया। डॉक्टर क्या बन गया, माँ को ही भूल गया? फिक्र मत करो माँ, अब मैं वतन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यहीं तुम लोगों के साथ रहूंगा और तुम सबका ख्याल रखूंगा। सबका ख्याल तो तू रख सकता है बेटा, पर मेरी परेशानियों को कौन दूर करेगा? तुम्हारी सारी परेशानियाँ मैं दूर कर दूंगा माँ, फिक्र मत करो। अरे तूने तो मेरी मन की बात पढ़ ली, कैसे बेटा? माँ ये जादूगर है, ये किसी का चेहरा देखकर उसके मन में क्या चल रहा है सब बता सकता है। ये सिर्फ डॉक्टर नहीं है, एक जाना माना माइंड रीडर भी है। अभी पिछले साल ही इसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिया है। बस बस मैं समझ गई। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है माँ, प्रैक्टिस से कोई भी इसे आसानी से सीख सकता है। वो सब छोड़ो माँ, ये बताओ कि काम के सिलसिले में अगर सुमित विंध्यपुरम जाकर रहता है तो आखिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? तू नहीं जानता शंकर, मैंने सोचा था इसकी शादी गायत्री के छोटे भाई की बेटी प्रिया से करके टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ लूंगी, पर इसने भी वही किया, अपनी मर्जी से लव मैरिज कर ली। मुझे पता था तू हंसेगा, क्योंकि तू उस घर में रहने वाली गायत्री को नहीं जानता। वो इतनी खतरनाक है कि उस घर में रहने वाले उसके भाई तक डरते हैं। ये वही गंगा को ले जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो गायत्री इससे बदला लेने की पूरी कोशिश करेगी। पर माँ, मैं उनके घर नहीं ठहरूंगा। तो फिर कहाँ रहोगे? उस गाँव में जो पुरानी हवेली है उसे मैंने खरीद लिया है, मैं वहीं रहूंगा। क्या हुआ माँ? बेटा मैं बचपन से ही उस हवेली के बारे में बहुत कुछ सुनती आ रही हूँ। वहाँ जो भी जाता है जिंदा वापस नहीं आता। वो हवेली कई लोगों को निगल चुकी है, उस हवेली को खरीदने की क्या जरूरत थी? माँ मेरे होते हुए तुम्हें सुमित और गंगा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आज ही विंध्यपुरम जाकर तुम्हारे रिश्तेदारों से मिलकर उनसे बात करके उन्हें सब कुछ समझा दूंगा, साथ ही उस हवेली के बारे में पूरी जानकारी भी निकाल लूंगा। उसके बाद तुम ही फैसला करना इन दोनों को वहाँ रहना चाहिए या नहीं। किधर, कहाँ कहाँ कहाँ? अरे कहाँ आग लगी जिसकी गर्मी तुझे महसूस हो रही है? भगवान ने इतना बड़ा मुंह दिया है। जरा वहाँ तो देखिए कितनी सारी लंबी लंबी चमकदार गाड़ियाँ आ रही हैं। सच में लंबी और महंगी गाड़ियाँ हैं। काश हमारे पास भी एक होती। आइए आइए अपना ही घर समझिए। बड़े भैया इनसे मिलिए, दुल्हे के पिताजी। 300 गाड़ी लेकर आए, ऑटो में आ सकते थे। नमस्कार। इतनी गाड़ियों की क्या जरूरत थी, इतनी महंगाई के जमाने में आप पानी की तरह पेट्रोल बहा रहे हैं। वैसे हम प्रिया के माँ बाप हैं, लेकिन हमारे घर के सारे फैसले मेरी बड़ी दीदी गायत्री करती है। मैं बस यूं गया और पूछ कर आया, आप बैठिए। प्रिया का रिश्ता सरस्वती के कहने पर मैंने उसके बेटे से तय कर दिया है। सालों पहले जिसे मैंने चाहा सरस्वती ने उसी के साथ घर बसा लिया। उसने जो गलती की मैं वो दोहराना नहीं चाहती। ठीक है। हाँ?
अरे हा? सब लोग कहाँ गए? अरे दीदी की भौंकू जैसी आवाज सुन के वो लोग कबूतर की तरह फुर्र हो गए। क्या बात कर रहे हैं? हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं और इन 8 सालों में सरस्वती काकी के परिवार से आज तक हमें कोई मिलने नहीं आया। अरे वो लोग कभी मिलने नहीं आए तो अच्छा ही है ना, ये सारी जमीन जायदाद हमारे ही से आएगी, उसमें हमारे बच्चे कबड्डी खेलेंगे। ए पोपट, ए दुल्हे राजा, फड़फड़ाते हुए आ जा। कछुए पर बैठकर तो नहीं आ रहा, रॉकेट की खोज हो चुकी है, रॉकेट पर बैठकर आना चाहिए ना। ये कौन है? भौजी का तबेला समझे क्या जो बैलगाड़ी अंदर घुस रहा है? बैलगाड़ी लेके कौन आ रहा है? ए रोक रे, ए रुक, ए नीचे उतर, ए रुक रुक रुक, ए नीचे उतर, नीचे उतर, ए नीचे, स्टॉप 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 स्टॉप। अरे यार कल के अंधे, वो तो सच में अंधा है, उसको यहाँ क्यों लेके आया? नकली वीरप्पन के मूंछ वाले। हेलो, कौन है भाई तू जो इन दो बैलों और एक गधे के साथ धड़धड़ाते हुए अंदर आ गए? रामपुर से मैं कस्तूरी जी का। अरे दामाद जी, खुशी मनाओ, बैंड बजाओ, मिठाई बांटो। मुझे पता नहीं था आसमान में बैलगाड़ी भी उड़ती है। अच्छा वाले कर रहे हैं। देखिए जनाब, मैं आपका दामाद नहीं। अरे वो तो मालूम है, लेकिन हमको ये भी मालूम है कि तुम ही हमारे दामाद बनोगे। मजाक कर रहे हैं? मैं आपका दामाद नहीं हूँ, दरअसल मैं आपका होने वाले दामाद जी, हम जानते हैं। ओहो, लगता है इन सबकी अकल घुटने में है। देखिए, मैं सुमित का दोस्त हूँ और मेरा नाम है शंकर। उस दिन आपको पूरी बात बताने से पहले ही फोन कट गया था। रोड कॉन्ट्रैक्ट के काम से मेरा बेटा यहाँ आने वाला है, वो आपके यहाँ रहने से शर्मा रहा है, वो बहाने बना सकता है, उसकी बातों में मत आइएगा। एक हफ्ते पहले ही सरस्वती जी ने मेरी बहन को ये बातें बता दी थी, इसलिए हम सब जानते हैं कि तुम एकदम झूठ बोल रहे हो। इस वक्त वो प्रिया को अपने साथ लेकर मंदिर गई है। भेजे में घुसी बात, हमें तुम्हारी सारी कुंडली पता। अच्छा तो ये बात है। और नहीं तो क्या, दाल भात है। ये कहाँ घिस हो गया? अरे यार, भंगिनी भी गायब हो गई। माफ कीजिए, मुझे पटाखों से डर लगता है। मुझे भी। मेरा पटाखा फूट गया क्या? आपको देखकर कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है। आपको देखकर मुझे मेरे भैया की याद आ गई। तो ये दोनों यहाँ पर है? अरे लुका छुपी खेल रहे हो क्या? दामाद बाबू, इसका कच्चा पक्का दोनों लाइसेंस मेरे पास है। मेरी कुंडली में मंगल है, फिर भी ये मंगल कन्या मेरे पास है। होली के बाद दिवाली भी चली गई, लेकिन हमारे आंगन में फूल झड़ी जलाने वाला नन्ना मुन्ना नहीं आया। सुमन की गोद 8 साल से सुनी है। आपके पास दिमाग पढ़ने वाली एक्सरे मशीन है क्या दामाद जी? क्या है? आपको तो फिल्मों में हीरोइन होना चाहिए। सीन कट। ये अभी भी हीरोइन है, पर मेरे पिक्चर की। दामाद जी, अब सारी बातें बाहर ही करेंगे, थोड़ी गुफ्तगु अंदर भी कर लीजिए, आइए। बाय। मैंने जिसके आने की खुशी में सस्ते वाले पटाखे फोड़े, वो तो पति पत्नी के बीच में महंगी मिसाइल छोड़ रहा है। मेरी मर्जी। दामाद जी, चुप रहिए, बैलगाड़ी से आए हैं, थक गए होंगे, इसलिए गुसल खाने में जाके गुफ्तगु कीजिए। क्या हो गया बड़े भैया? इसका रिटर्न टिकट निकालो। लेकिन क्यों? अपनी किडनी बेचकर इसके टिकट के पैसे दूंगा। अगर ये घर में आ गया ना, तो हम सबको घर के बाहर निकलना पड़ेगा कटोरा लेके। अबे चुप कर मनुष। मनुष तो वो है। अब क्यों बुला रहा है? हे ऊपर वाले, तू इसको बुला ले। तुम ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूं, है ना? यहाँ आते हुए रास्ते में विंध्यपुरम हवेली के बारे में मैंने बहुत लोगों से पूछताछ की, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। हाँ तो? अगर तुम मुझे विंध्यपुरम हवेली पहुँचा दोगे तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, वरना वरना क्या? हाय, यहीं रहूँगा। ठीक है, ले जाऊँगा, लेकिन एक वादा करो, बाद से मुकर तो नहीं जाओगे? चाहो तो आजमा सकते हो। खराब हो गया क्या जो तुमको आजमाऊंगा? ए अंदर जा, मेकअप कर। जाती हूं। गेट भी भूतों के लिए खुला छोड़ा है। ऐसा हवेली में ना बहुत सारे कमरे हैं, जाओ पैर फैला के सो जाओ, हड़प लो हवेली। बाय। जरा साइकिल छोड़ो। भाड़े पे चाहिए क्या? क्या? चलो मेरे साथ। कहाँ लेके जा रहे हो? अरे दामाद जी, बचपन में गिल्ली लेने पहली बार यहाँ आया था, उस दिन नहीं मिली थी, तुम ढूंढो, मैं बाहर जाके डंडा ढूंढ के आता हूँ। ठीक है, चुपचाप मेरे साथ हवेली के अंदर चलो, वरना घसीट कर ले जाऊंगा। अच्छा? हाँ घसीट कर। बोला वही जो सुना, अंदर भूत प्रेत कुछ नहीं होता, चुपचाप मेरे साथ चलो। ओ
ऊपर वाले बचा ले, बचा ले। इस छोटे घर में कौन रहता है? दूध वाला रहता है। सुमन, बूढ़ा माली और उसकी पोती रहती है। वो लोग यहाँ रहते हैं और फिर भी तुम डर रहे हो? वो तो भूतों के रिश्तेदार है, मैं तो उनको जानता भी नहीं। पर हम लोग जाएंगे। अरे क्या कर रहे हो, मेरी बीवी मेकअप करके मेरी राह देख रही होगी। वो वहाँ पर क्या हो रहा है? चकाचक पेंटिंग हो रही है। ओ, तो यहाँ पर पेंटर्स भी रहते हैं? हाँ, पूरे एक महीने से हवेली का थोपड़ा चेंज कर रहे हैं। एक आदमी एक महीने से अकेला अंदर रह रहा है और हम दोनों को वहाँ अंदर जाने से डर लग रहा है। थू! वो अलग गांव का है, इस गांव का होता तो भूत उसे फाड़ डालता। बहस की टांग नहीं, बहस की मुंडी। फुल फैमिली के साथ भूत रहते हैं। भूत रहते हैं और ताऊ चाचा के साथ पिशाच रहते हैं। पिशाच रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 30 फुट लंबा एक एनाकोंडा जैसा नाग भी है, कईयों को डस चुका है। पिछले साल चूने की पोताई करने रंगा आया था, लेकिन 4 बजे शाम ढलते ही वो चला जाता। लेकिन एक बार उसकी घड़ी बंद हो गई। बाहर जो अंधेरा था उसकी किस्मत में धीरे धीरे छाने लगा। उस काले नाग ने उसे ऐसा डसा कि सुबह उसकी लाश गेट के पास मिली, मुंह से झाग निकल रहा था। दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी को चुड़ैल ले गई है। अब मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा? जवाब तो तब दूंगा ना जब घर पहुंचूंगा। मुझे घर कौन ले जाएगा दामाद जी? अरे चुप कर, सुनिए जी, सुनिए ना। मुकेश होश में आ। ए मुकेश, मुकेश होश में आ। तू चुपचाप अच्छा नहीं लगता मेरे भाई, तेरे इस मुंह से बकवास ही अच्छी लगती है। दामाद जी ये बताइए, इसको भूतिया बंगले में ले जाने की क्या जरूरत थी? अब देखिए उस चुड़ैल ने मेरे हंसते खेलते भाई की क्या हालत कर दी है, जैसे कोई लाश खड़े खड़े हंस रही है। कुछ कीजिए, बड़ा डरावना लगता है ये। अरे गांव वालों, बताशे बट रहे क्या? मेरे हिस्से के कहाँ है? नमस्ते माँ जी, मैं सुमित का। सुमित कहाँ है? वो इस घर का होने वाला दामाद है। जब मैंने सुना कि तुम बैलगाड़ी में सवार होकर यहाँ आए हो, तभी मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरे दामाद नहीं हो, क्योंकि मेरा दामाद कभी ऐसे नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा माँ जी, यहाँ आते ही मैंने इन्हें बताया कि मैं इनका दामाद नहीं हूँ, लेकिन इन अकल के अंधों ने मेरी एक भी नहीं सुनी और आपने बिना कहे सब जान लिया। आई रियली अप्रिशिएट इट। माँ जी, सुमित ने इस गांव की उस हवेली को खरीदने का फैसला कर लिया है। Yes, इसीलिए उसने पहले मुझे भेजा। मैं उसका दोस्त हूँ, उसके भाई जैसा ही हूँ। मेरा नाम है शंकर। कभी नहीं विंध्यपुरम हवेली में एक रात भी रुकना, यानी मौत को बुलावा देना। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। पहले ही उस हवेली में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। माँ जी, अब आपको कैसे समझाऊं? समझ में नहीं आ रहा। सुमित ने आपकी बेटी से शादी, लो वो खुद ही आ गया। दामाद चूना लगाता है। प्रिया, अरे बेटा बाहर आओ, आकर अपने होने वाले पति का चांद सा मुखड़ा तो देखो। आओ आओ देखो। इनका नाम गंगा है, मेरी पत्नी। माँ जी, इसकी माँ तो यही चाहती थी कि सुमित की शादी आपकी बेटी प्रिया से हो, लेकिन इस दौरान सुमित को गंगा से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। बेड़ा गर्क, बड़े रईस लोग मेरी बेटी का हाथ मांग रहे थे, तुम्हारे चक्कर में उन सबको हमने भगा दिया। शादी ब्याह तो सब किस्मत का खेल है पापा, किसके हिस्से में कौन आए आखिर ये बात कौन बता सकता है। क्या पते की बात कही है, वाह, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी गहरी बात कह दी। लाइए हाथ मिलाइए। हाथ हटा। मुझे मालूम है आप सब लोग मुझसे नाराज हैं, फिर भी मैं आप सब लोगों से मिलने यहाँ चला आया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं चलता हूँ। कहाँ? राजा विक्रमजीत की जो पुरानी हवेली है, आज से हम लोग वहीं रहेंगे। उस हवेली में? नहीं नहीं नहीं। पर क्यों? उस खूनी हवेली में एक बुलंद दरवाजा है और अंदर चंद्रमुखी का भूत रहता है। आज के जमाने में भी आप लोग भूतों पर विश्वास करते हैं? देखो बेटा सुमित, हम लोग जानते हैं कि तुम शहरी बाबू हो, इसलिए इन बातों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन उस हवेली में कई लोगों की मौत हो चुकी है, वहाँ मत जाओ। ये वहम है, उसे खरीदने से पहले मैंने उस हवेली को अच्छी तरह से जांच परख लिया था, वहाँ भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं है। बेटा देखो, तुम मेरी बात को गलत मत समझना, मैं वहाँ 40 साल से माली का काम कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कभी अंदर नहीं गया। एक बार फिर से सोच लो बेटा। काका,
मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, इसीलिए तो उस 50 करोड़ की हवेली को मैंने सिर्फ 5 करोड़ में खरीद लिया। देखो, पर मैं दकियान उसी बातों पर यकीन नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी गंगा को वो हर सुख दूं जिससे वो अपनी बाकी सारी जिंदगी एक रानी की तरह बिताए। और अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो आप चिंता मत कीजिए, हम निपट लेंगे। समझाओ इसे। हम सब जाएंगे। उसे खरीद कर तुमने ठीक किया। ऐसे क्या देख रहे हो? यही सोच रहे हो ना कि अब मैं हाँ क्यों कह रही हूँ? मैं नहीं चाहती सुमित पर कोई आफत आए। मैंने फैसला किया है कि सुमित का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक हम सब उसके साथ हवेली में रहेंगे। सब एक साथ मरेंगे। सुनो, हमें इन दोनों का ख्याल रखना है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो सरस्वती को लगेगा मैंने पुरानी बात का बदला लिया है। माना कि सुमित ने हमारी प्रिया से शादी नहीं की, फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हम इनका ख्याल रखें। और वैसे भी बहुरानी पहली बार आई है, सबसे घुल मिल लेगी। शुक्रिया माँ जी, आशीर्वाद। रुको सुमित, अभी नहीं। जिस काम के लिए तुम आए हो, एक बार वो काम पूरा हो जाए उसके बाद हम सब मिलकर इनके आशीर्वाद लेंगे। इन सब से कुछ नहीं होने वाला। इसकी माँ ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। मैं भी देखती हूँ इनकी जिंदगी कैसे आबाद होती है। देखो बेटा सुमित, हम यहाँ इस हवेली में कोई मजे मारने के लिए नहीं आए हैं। इस भूतिया हवेली में तुम भूतों के चंगुल में ना फंस जाओ, इसलिए तुम्हारी रक्षा करने के लिए आए हैं हम। लेकिन हम सबके यहाँ रहने की एक शर्त है, वो तुम्हें माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? वो शर्त ये है कि इस हवेली के पीछे वाले हिस्से में कोई भूल कर भी नहीं जाएगा, खास कर राजा के कमरे की तरफ जिसमें चुड़ैलें नाचती हैं। आपने हमारे साथ रहने का फैसला किया तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? हम में से कोई भी हवेली के उस तरफ बिल्कुल नहीं जाए। तो फिर ठीक है, चलता हूँ। चलो चलो। जिस भूतिया हवेली की तरफ कोई देखता तक नहीं था, आज इनकी वजह से हम यहाँ मरने चले आए। अभी मरे, आधे घंटे बाद मरे, एक घंटे बाद मरे, पता नहीं कब मरे। okay. भैया, एक तो भूतिया हवेली, ऊपर से इतना हॉरर इफेक्ट क्यों? अरे थोड़ी सी खराश है। मुकेश, ये बताओ तुम्हारी राशि क्या है? क्यों? अरे बताओ ना यार। सिंह राशि। सिंह राशि है तुम्हारी? अरे तुम तो पूरे के पूरे सिंघम हो यार। हाँ, करोड़ों में एक होते हैं सिंह राशि वाले। भूतों को भी ये राशि वाले बहुत पसंद है। हाँ, इस तरफ। संभल के, आराम से। ये पुराना पलंग क्यों? हम नया भी तो खरीद सकते थे। ये मामूली पलंग नहीं है, इस पर राजा रानी खुद सोया करते थे। लेकिन अब वो नहीं, हम सोएंगे। सुमित बेटा जल्दी नीचे आओ, साथ में बहू रानी को भी लाओ। सब कुलदेवी के मंदिर जाएंगे, उसे तुम्हारे बाबूजी ने बनवाया था। राम राम काका, आलीशान गाड़ियों को छोड़कर इस बैलगाड़ी में। ये मेरा दोस्त शंकर अमेरिका से लौटा है और वहाँ बैलगाड़ी की सवारी तो मिलती नहीं, इसीलिए। नमस्ते। नमस्ते। आलीशान गाड़ियों में बहुत घूमा पर बैलगाड़ी जैसा मजा कहीं नहीं। क्यों मालिक काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल वो मेरी पोती है ना दुर्गा, वो वहाँ पतंग उड़ा रही है, उसी के साथ आया हूँ। वहाँ तो बहुत से लोग हैं। वो जो सफेद साड़ी में सबसे पीछे खड़ी है ना, वही है मेरी पोती। सुमित, बहुत दिनों से पतंग नहीं उड़ाई यार। उड़ाए क्या?
स्वामी जी, ये हमारे दूर के रिश्तेदार सुमित बाबू हैं। नमस्ते। इन्होंने विंध्यपुरम हवेली को खरीदा है। स्वामी जी, उस हवेली का नाम लेते ही सब लोग घबरा क्यों जाते हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं कि इसका क्या राज है? बेटी, ये बात लगभग 100 साल पुरानी है। विंध्यपुर में विक्रम सिंह नाम के राजा का शासन था। वो बड़ा ही क्रूर और निर्दयी था। उसे जो चीज भी पसंद आती, उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन वो आंध्र प्रदेश के विजयनगर गया। वहां उसकी नजर चंद्रमुखी नामक एक नर्तकी पर पड़ी। वो उसकी सुंदरता पर इतना मोहित हो गया कि उसे पाने की चेष्टा करने लगा। पर चंद्रमुखी के मन में कोई और बसा था और उसका नाम था विश्वनाथ। वो उस राज्य का सबसे विख्यात नर्तक था। जब वे दोनों साथ में नृत्य करते थे तो ऐसा लगता था जैसे इंद्र सभा में गंधर्व और अप्सरा का नृत्य हो रहा हो। विश्वनाथ चंद्रमुखी से महल के पीछे छुप छुप कर मिला करता था। जब ये बात राजा विक्रम को पता चली तो वो क्रोधित हो उठा। वो दुर्गाष्टमी का दिन था। राज दरबार में चंद्रमुखी और विश्वनाथ नृत्य कर रहे थे। उसी समय राजा विक्रम ने विश्वनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद उसने चंद्रमुखी को भी जलाकर मार डाला। कई वर्षों बाद राजा विक्रम की भी मृत्यु हो गई। पर लोगों का कहना है कि चंद्रमुखी की आत्मा बदला लेने के लिए आज भी उस हवेली में भटक रही है। राजा की मृत्यु के बाद उस हवेली में जो भी रहने आया, किसी न किसी हादसे में वो मारा गया। राज पुरोहित के कहने पर राजा के कमरे को मंत्रोच्चार करके हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और तो और, उसमें एक ऐसा भयानक नाग है जिसके डसने से गांव के कई लोगों की जान जा चुकी है। रात के 12 बज गए। आधी रात में तो भूत निकलते हैं। कहीं उसी की आवाज तो नहीं? कितना बड़ा बेडरूम है, जैसे क्रिकेट का मैदान। ऊपर से ये पलंग की आवाज सुनकर दिल धकाधक बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहा है। कौन है वहां? क्या चाहिए? मुकेश, मुकेश, तो यहाँ क्या कर रहा तू? एक तो पहले से नींद नहीं आ रही थी, फिर थोड़ी सी आंख लग गई तो पता नहीं कहाँ से चुड़ैल की चीखने की आवाज आने लगी। कहा था यहाँ भूत है, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? बड़े भाई, आपको चुड़ैल की आवाज नहीं आई? नहीं तो फिर मेरी घंटी क्यों बजा रही है? अच्छा, तुम डॉक्टर हो ना? यस। मेरे मन में एक सवाल फुदक रहा है। हाँ पूछो ना। सच सच बोलना, भूत होते या नहीं? अच्छा ये बताओ, पिशाच होते या नहीं? भूत प्रेत छोड़ो, जिन होते या नहीं, ये बता दो। सास बहू की सीरियल की तरह देख रहे हो, उससे ज्यादा तुम डरावने लगते हो। बताओ भाई, भूत होते या नहीं? अगर है तो कैसे पता चलेगा? तो सुनो, भूत के आने से पहले अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। दूर कोई कुत्ता रोता है। रो रहा है, गली का कुत्ता डॉल्बी साउंड में रो रहा है। ये तो शुरुआत है। और फिर पेड़ों को चीरती हुई तेज हवाओं से खिड़कियां हिलने लगती है। हिल रही है खिड़कियां, हिल रही है। अब आगे सुनो। सुना? फिर महकने लगते हैं क्या, मोगरे के फूल। और फिर फूल है तो महकेंगे ना। ठीक है ठीक है। हर तरफ खुशबू ही खुशबू आ रही है, मोगरे की खुशबू, मतलब चुड़ैल यही कहीं है। आगे सुनते जाओ, मुझे बीच में टोकना नहीं। नो क्रॉस क्वेश्चन, अगर किया तो। ये क्या है? निकाल कर फेंक दूंगा। और फिर उसके बाद ये क्या है? घुंघरू की आवाज।
आ रही है, जो तुम कह रहे हो सब हो रहा है। मैंने तुमसे पूछा, उसके बाद अचानक सामने आती है सफेद कपड़ों में एक डरावनी चुड़ैल। दिख रही है, चुड़ैल दिख रही है, सबको मार डालेगी। तू मजाक कर रहा है? मजाक नहीं कर रहा, वो रही चुड़ैल सामने सामने। इज्जत मिट्टी में मिला दी। दादाजी की उड़ती हुई धोती देखकर तुम भूत समझ के डर गए? इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा हुआ? मैं डर गया? हाँ। ऐसा क्या? मैं और मुकेश एक ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्यों? अब बता भी दो। दुर्गा। दुर्गा नहीं, काली हो। क्या कहा? अच्छा नाम है। शुक्रिया। मोगरे की खुशबू यहाँ से आ रही थी, बेकार ही डर गया। कहाँ गया वो चपड़गंजू? थू! खूबसूरत लड़की के सामने इज्जत उतार कर रख दी। दिल तो चाहता है इस पे पैर रख के इसे पाताल में पहुंचा दूं। नहीं 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 नहीं। चुप रहो, बंद करो, बंद करो, शट अप। क्या हुआ? ए, ये क्या तमाशा है? गला फाड़ने के लिए और कोई जगह नहीं मिली क्या? सुबह सुबह इन मुर्गों से बांग लगवा के नींद का सत्यानाश कर दिया। इस शोर में भला कोई सोए तो कैसे सोए? वैसे ही कल रात तुमने घुंघरू की आवाज और चुड़ैलों वाली हंसी से सबकी नींद उड़ा दी थी, और सुबह सुबह जब आंख लगी तो इन कौओं के साथ कोरस में कांका करके उसकी भी बैंड बजा दी। अब समझा कि क्यों गांव वालों ने तुम्हें यहाँ इस हवेली में अकेला छोड़ दिया है। ए, ये गाना बजाना सीख कर कुछ नहीं होगा। चलो उठो, बैठे क्या हो, जाओ खेलो कूदो, जाओ तुम्हारी छुट्टी, मजे करो। मेरी बात सुनो काली। दुर्गा। ओके, आज के बाद इन बच्चों को संगीत सिखाना है तो पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं भी चली जाना, पर यहाँ शोर नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त ने करोड़ों रुपए देकर इस हवेली को खरीदा है, इसलिए नहीं कि हर दिन तुम अपनी ड्रामेबाजी से हमें परेशान करो। नो 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 नो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अगर आज के बाद तुमने ये गलती दोहराई तो तुम्हें और तुम्हारे इस बेसुरे बाजे को यहाँ से उठाकर बाहर फिकवा दूंगा। बस बहुत हुआ, देखती हूँ आप कैसे रोकते हो। मेरी क्लास तो यही चलेगी, म्यूजिक क्लास नहीं तो मैं भी यहाँ नहीं। ओके, अगर तुम खुद ही यहाँ से जाना चाहती हो तो शौक से जा सकती हो। अगर यहाँ रहने के लिए मुझे संगीत छोड़ना पड़े तो बेहतर है कि मैं ये खंडहर ही छोड़ दूं। मालिक, इसकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बिन माँ बाप की बच्ची है, दुनिया में इसका मेरे सिवा कोई भी नहीं है। आप यही चाहते हैं ना कि दोबारा यहाँ शोर शराबा ना हो? इसकी तरफ से मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद शोर नहीं होगा। थैंक यू। यहाँ क्या कर रही हो बेटा? बेटा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। ऊपर से कैसी कैसी आवाजें आती है तुम्हें पता है ना? मेरी बात मानो बेटा, बड़े बुजुर्गों की बात मानने में ही भलाई है। आओ मेरे साथ। कौन हो तुम? प्रिया, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए टहलने चली आई। प्यार का भूत? हाँ? किसी के प्यार में होना? आपको किसने बताया? और किसने, तुम्ही ने तो बताया, तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। उस दिन जब तुम्हारे पिताजी ने कहा कि बाहर आओ और अपने मंगेतर से मिलो, तब तुम्हारे चेहरे पर उस बात की कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। मैं तो उसी दिन समझ गया था कि तुम किसी के प्यार में हो। अब बताओ कौन है वो? विश्वनाथ, डांस प्रोफेसर, और वो उस घर में रहते हैं। ओह विश्वनाथ, गुड सिलेक्शन। क्या आप उनसे मिल चुके हैं? यस, अच्छी तरह जानता हूँ, और ये भी कि तुम ही ने उसे उस घर में ठहराया है। उसे बताया कि उससे प्यार करती हो? बताया। तो उसने क्या कहा? कहा कि पापा से बात करेंगे। पापा को नहीं बताया? डर लगता है। डरोगी तो प्यार कैसे करोगी? पापा का नाम क्या है? नंदूराम। नंदूराम जी, ओ नंदूराम जी, क्या कर रहे हो? हो गए क्या? नंदूराम जी,
आपकी बेटी की नींद उड़ गई और आप सो रहे हैं। मुच्छाड़, इसी वक्त नीचे आओ। हे भगवान, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं हवा खा रही थी। हवा खा रही थी, चल भाग यहाँ से। बढ़िया ही हवा खाने वाली। मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं? मिलन की बात। मिलन, प्यार की, प्यार, शादी की, शादी। सुनो, अब सर पानी से ऊपर जा रहे, इस डॉक्टर को यहाँ से भगाना ही होगा, समझ गए? हाँ। मैं तो पहले से कह रहा हूँ, इस इंसान को जंगल में छोड़ के आते हैं। हाँ, शुक्र है इसने मेरी बीवी को निशाना नहीं बनाया। कंवारों की सिर्फ एक ही परेशानी होती है। कौन सी? पर शादीशुदा मर्दों की हजार परेशानियाँ। पर तुम जरा हटके हो, क्योंकि तुम खुद एक परेशानी हो। लग गया निशाना। हरी साड़ी पे लाल लाल फूल, पोपड़ समझ रखा है क्या? क्या बात है दादाजी, बच्चे तो अब तक आ जाते थे। 9 बज चुके हैं लेकिन अभी तक नहीं है, क्या बात है दादाजी? वो बच्चे आज नहीं आएंगे बेटी। हाँ, पर क्यों? अरे देखो भूमि आ गई। बाकी बच्चे कहाँ हैं? अब तक क्यों नहीं आए? वो कल जो अंकल आपको सवेरे डांट रहे थे ना, उन्होंने हमको पैसे दिए और कहा हमारे क्लास की आज छुट्टी है तो जाकर सिनेमा देखो और जो पैसे बचे हैं उससे चॉकलेट खा लेना। शंकर बाबू के यहाँ से जाने तक तुम संगीत की क्लास लेना बंद कर दो बेटा। दुर्गा, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काते हो? अरे वो बच्चे तो अभी मासूम हैं। तुम्हारे 2 पैसों के लालच की वजह से वो आज नहीं आए। लेकिन याद रखना, उन्हें पैसे देकर फिल्म देखने तो आप भेज सकते हैं, लेकिन क्या उन्हीं पैसों से आप संगीत को भी खरीद सकते हैं? खरीद लिया है। ये हारमोनियम तो मेरा है। मैंने ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लिए हैं एक्सेप्ट दिस डब्बा, क्योंकि तुम्हारे परम पूज्य दादाजी ने मुझे यह डब्बा मुफ्त में दिया। संगीत साक्षात सरस्वती है, और तुम जैसे घमंडी लोग ये कभी नहीं सीख सकते। जिसे इसकी कद्र नहीं, उन्हें इसके बारे में बुरा भला बोलने का कोई हक नहीं। इस जन्म में क्या, अगर 100 जन्म भी तुम ले लोगे तो अभी तुम इस विद्या को नहीं सीख सकते। मेरी बात सुनो काली। दुर्गा! दुर्गा, इतनी बद्दुआएं देने की जरूरत नहीं, वो भी इस 2 टके के बाजे के लिए। मुझे ये नहीं चाहिए, लो ले जाओ इसे। इस हारमोनियम को तुमने छुआ है ना, अब मैं इसे कभी नहीं छूंगी। शंकर बाबू, आपने तो जिसे नाचना नहीं आता उसे भी नचा दिया। इनका स्टाइल तो कमाल का है। तो क्या राय है मेरे दोस्त के बारे में? ये सिर्फ डांस ही नहीं, संगीत के साथ सुरों को भी जानता है। महारत हासिल की है इसने। अगर ये चाहे तो गाकर किसी को भी नचा सकता है। संगीत का उस्ताद है ये। क्या हाँ हाँ कर रही हो? जाओ अंदर, जाओ, दफा हो जाओ। अब तो क्या इसे घूर घूर के देख रही है? कितना अच्छा गाते हैं। चल चल, होमवर्क कर, चल। अरे मैंने आपको कितना गलत समझा। एक कलाकार को अहंकार नहीं करना चाहिए, ये बात मैं भूल गई थी। आपने आज मेरी आंखें खोल दी हैं, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या, शंकर वापस जाने वाला है? शंकर, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तुम्हारे लिए एक मेल आया है। कोई खुशखबर? खुशखबर तो तुम्हारे लिए,
क्यों, क्या हुआ? अमेरिका में तुम्हारा कोई पेशेंट सीरियस है, मैसेज में तुम्हें तुरंत आने को कहा है। अच्छा, वो टिकट? और नहीं तो क्या, बचपन से तू मेरे साथ रहा है, तब कुछ नहीं छिपाया, अब तू छिपाना भी सीख गया है। सुमित, डॉक्टर मरीज का इंतजार कर सकता है, पर मरीज डॉक्टर का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जाना। और यहाँ पर फिक्र मत करो, कोई प्रॉब्लम हो तो सिर्फ एक कॉल, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। क्या कह रहे हो, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर जय हो। चलो आखिर बला टली, एक महीने के लिए आया था, छह दिन में ही जा रहा है। वाह 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 वाह, दरवाजा उधर है। समझ गया, आपको खुशी हो रही है ना कि मैं यहाँ एक महीने के लिए आया था और छह दिन में ही जा रहा हूँ, लेकिन मैंने पूरे छह महीने का काम तमाम कर दिया है। तमाम कर दिया, वो भी सिर्फ छह दिन में। ये क्या क्या तूने? प्रिया, अरे उस दिन रात को हमारे बीच जो हुआ तुमने पापा को बताया नहीं क्या? कौन सी बात है? डॉक्टर जी, आप अपना चश्मा मेरे कमरे में भूल गए। कमरे में भी? तुम जरा पीछे हटो, पहले मुझे प्रिया के प्यार के बारे में बात करने दो। मेरी बेटी से मोहब्बत का ऐलान मेरे मुंह पे ही कर रहा है तू? अरे आपकी बेटी है, आपसे बात नहीं करूंगा तो क्या बीबीसी, सीएनएन, एबीसी, एनबीसी, आज तक इन सब न्यूज़पेपर वालों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करूं? प्रिया, ये लुच्चा है, लफंगा है, लुटेरा है, ये जानते हुए भी तूने इससे प्यार कर? अरे अरे अरे, आप तो खामखा टेंशन ले रहे हैं। मैंने सिर्फ ये कहा कि वो प्यार में है, ये तो नहीं कहा कि मेरे प्यार में है। प्रिया को प्यार हो गया है डांस प्रोफेसर विश्वनाथ से। अच्छा, विश्वनाथ है? जी हाँ, विश्वनाथ बहुत अच्छा लड़का है, आपकी बेटी की जोड़ी उसके साथ खूब जमेगी। उस रात प्रिया के साथ बात हुई तब मुझे इस बात का पता चला। अगले ही दिन मैंने विश्वनाथ से भी इस बारे में बात की, उसने कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो वो आपकी बेटी प्रिया से शादी करने के लिए राजी है। अब ज्यादा मत सोचिए वरना एक अच्छा रिश्ता बेवजह ही हाथ से निकल जाएगा, उसके बाद सर के बल चलकर ढूंढोगे तो भी ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। शादी तय होते ही मुझे भी कार्ड जरूर भेजना, और अगर दूसरी बेटी का रिश्ता भी। नहीं नहीं नहीं, अभी तक उसकी कोई जरूरत नहीं है। सच बोल रहे हो? कुछ बोल रहा हूँ, अपनी बिल्ली को छाते से ढक देता हूँ। क्यों लग रहा है कि कुछ भूल रहा हूँ? अरे हाँ सुमन, अजीब घोंचू है, जाते जाते भी हाथ साफ करना चाहता है। शर्ट तो देखो कैसी पहनी है, उल्टी शर्ट, उल्टा दिमाग, सोच के उल्टी आ रही है। तुम्हारे पापा ने दी है क्या? हा? मेरी शर्ट मेरे लिए मैंने खरीदी है मेरे पैसे से, अब मेरी शर्ट मैं सीधी पहनूं या उल्टी पहनूं उससे तुम्हें क्या? तोड़ दूंगा। चंपाकली, मोटी कमर चिकना बदन, मेरी पहलवान है, इसको देखते ही सीधे मुर्ग मुसल्लम की याद आ जाती है। आहा, चख लूं। अब ये टू मच हो रहा है। क्या क्या टू मच हो रहा है? क्या हुआ? टू मच? क्या वो मच? ये इसे क्यों बता रहे? वो मुर्गे की तरह भाग जाएगा। नहीं नहीं कुछ नहीं, कल सुबह मुर्गे की तरह भांग देके उठ जाऊंगा, ये कह रहा है। कमर की बात? अरे कमर का दर्द भगाने के लिए योगा कर लूंगा, मालिश कर लूंगा, डॉक्टर को दिखा दूंगा, बस तुम जाओ यहाँ से, हमें बर्तनों की तरह लड़वा के तुम्हें क्या मिलेगा? जाओ ना, जाओ जाओ जाओ, बैलगाड़ी छूटी जा रही है। ये किसकी बात कर रहे थे? लगीने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, आग बुझानी पड़ेगी ना। क्या है? एक छोटी सी बात तो भूल ही गया। क्या बाकी रह गया? एक आदमी एक टांग पे तो खड़ा नहीं हो सकता, और वो ओलंपिक में दौड़ने के बारे में सोच रहा है। हाँ तू? शंकर, शंकर। हाँ गंगा, तुमसे मिलना तो भूल ही गया। एक महीना रुकने वाले थे और छह दिन में जा रहे हो, बोलते हो कुछ करते हो कुछ। अरे मरीज को बीमारी कहकर आती है क्या? और ये सब तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता रखा है? इतना सारा? हाँ, पूरा खा जाना। तुम्हें पता है दुनिया में सबसे अच्छी दवाई कौन सी है? कौन सी? खाना, हिसाब से खाया जाए तो दवाई वरना बन जाता है जहर, समझी? काली, दुर्गा। ओ यस यस, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ लोगों के साथ हंसी मजाक बहुत करता हूँ, ऐसा ही हूँ मैं। तुम्हारे साथ भी मजाक ही किया था, पर अनजाने में अगर तुम्हारा दिल दुखाया हो तो उन कड़वी बातों को तुम दिल से निकाल देना, बस मुझे मत निकालना। अच्छा तो मैं चलूं? सॉरी सॉरी, चलता हूँ। हाँ बाय। दुर्गा जरा यहाँ आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। जी मालकिन। ये मालकिन वालकिन कहना बंद करो, सिर्फ गंगा कहो ना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक ही कहती थी, बोलिए क्या बात है? मुझे इस हवेली के बारे में जानना है, और वैसे
बाहरी हिस्सा तो मैंने देख लिया, बस पिछला हिस्सा बाकी है। तुम मेरे साथ चलोगी? पर पीछे की तरफ दादाजी ने जाने से मना किया है, और सिर्फ मैं ही नहीं, उस तरफ कोई भी नहीं जाता। कहते हैं जो भी वहाँ जाता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। तुम भी ऐसी दकियानुसी बातों को मानती हो? डरती क्यों हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं खुद ही चली जाती हूँ, कोई बात नहीं। रुके दीदी, अगर किसी ने हमें जाते देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, सब प्रिया के रिश्ते की बात करने विश्वनाथ के घर गए हैं, कोई नहीं है हमारे अलावा। तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। सुंदरता या स्टेटस को देखकर मैंने प्रिया को चाहा ऐसा नहीं है। बचपन में ही माँ पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं अकेला रहा, इसलिए आप जैसे खुशहाल परिवार से जुड़ना चाहता था। आपसे रिश्ता जोड़ना मेरा सौभाग्य होगा। कहा था ना लाखों में एक है, मुझे तो ये बहुत पसंद है। अगर तुम कहो तो। ठहरो, हम सिर्फ लड़का देखने आए हैं, फैसला बाद में लेंगे, आज का मुहूर्त ठीक नहीं है। अरे मैं पंडित जी से सब पूछ कर आया हूँ, दूल्हा बुक कर लेते हैं। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती, प्रिया को मैंने नाजू से पाला है, उसकी सगाई मैं धूमधाम से करूंगी। ठीक है दीदी, आपने हाँ कर दी यही मेरे लिए बड़ी बात है। अगली 16 तारीख को बहुत अच्छा मुहूर्त है, उस दिन धूमधाम से सगाई करेंगे। कमरा तो बंद है, जरा देखो तो कितने तावीज बने हैं। ये शायद चंद्रमुखी का कमरा है, एक बड़ी सी पूजा करके चंद्रमुखी की आत्मा को इस कमरे में कैद कर दिया गया। तुम भी इन बातों को मानती हो? मानती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस कमरे के अंदर कोई बड़ा खजाना छुपा होगा, और वो खजाना किसी के हाथ ना लगे इसीलिए ये झूठी अफवाहें फैलाई है। अगर मेरे पास इस कमरे की चाबी होती ना तो सारा सच अभी सामने आ जाता। इस कमरे की चाबी नहीं है, शायद वो गुम हो गई थी, पर बहुत समय पहले एक बूढ़े लोहार ने इसकी चाबी बनाई थी, हम उस लोहार से चाबी बनवा सकते हैं। तब तो हमें उस लोहार से चाबी बनवानी चाहिए। मैं आपको उसके पास ले चलती हूँ, आप ही कह दीजिएगा, और जैसे ही वो चाबी तैयार हो जाएगी मैं उसे लाकर आपको दे दूंगी। तो अभी चलते हैं। दीदी, 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 क्या हुआ? ये लीजिए, चंद्रमुखी के कमरे की चाबी। पिलर यहाँ हो। ठीक है सर। हाँ हो जाएगा। सर जैसा आपने कहा है वैसा ही। ओके सर। Ah.
लोहार जिसने वो चाबी बनाई थी, उसे खून की उल्टी हो गई। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है, ये तो होना ही था। 2400 घंटे शराब में धुत रहने वाला इंसान चाबी बनाता तो भी मरता, नहीं बनाता तो भी मरता। इस वहम को इसी वक्त अपने मन से निकाल दो। अगर इन बेकार सी बातों के बारे में ज्यादा सोचोगी ना तो पागल हो जाओगी। अगर चंद्रमुखी के कमरे की सिर्फ चाबी बनाने की वजह से लोहार की मौत हो गई तो वो दरवाजा खोलने पर गंगा कैसे बच गई? बिल्कुल सही। दरअसल मुझे लगता है कई सालों तक शराब पीने की वजह से लोहार का लिवर फेल हो गया और उसकी मौत हो गई। अब मैं कुछ बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है, पर ये बात 100% सच है कि वहाँ चुड़ैल है। छोड़ दे, छोड़ दे, हवेली को छोड़ दे। छोड़ दे, हलवाई क्या जो छोड़ दे। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। दगा 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 दगा। दफा हो जा, निकल। अचक अचक अचक, हवेली खाली कर। काका, हो गया क्या? चुप रहे। चका चक। काका सुनो ना, 2 घंटे से अपॉइंटमेंट लिया था, 3 घंटे से गोली चला रहे हो। वो आएगी ना, खड़े मुर्गे की तरह छील के रख देगी। जा, भाग जा। दरवाजा ठोक रहा है। इतनी रात को आप सभी यहाँ? वो काम करने वाले बाई को कुछ दिखाई दिया है, चलकर देखो ना। घबराओ मत बेटी, कुछ नहीं होगा, तुझे कोई वहम हुआ है।
पायल पहने सफेद साड़ी में इसने किसी औरत को भागते हुए देखा है। उसे देखने के बाद ये डर गई है बेटा। पायल पहने सफेद साड़ी, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ गंगा, तुम चीख क्यों रही थी? ये देखो, ये अपने आप गिर के टूट गई। अपने आप? हाँ। आप लोगों को यहाँ काम पे किसने रखा? बड़ी मालकिन से कह के दुर्गा ने हमें काम पे रखवाया है। दुर्गा ने? देखो, मुझे पता है कि तुम सोच रही होगी ये भूत प्रेत का काम है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? कोई आवाज सुनी थी इसलिए आई हूँ। ठीक है ठीक है, सब लोग जाके सो जाओ। हेलो, मैं सुमित बोल रहा हूँ, डॉक्टर शंकर से बात हो सकती है क्या? उनसे कहिएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ठीक है, मैंने कल भी फोन किया था पर आपका एक ही जवाब होता है कि वो यहाँ नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे इमरजेंसी है। आपकी जब भी उनसे बात हो उनसे कहिए जल्द से जल्द इंडिया पहुंचे प्लीज। ये फिर से आ गया, मुझे पता था, सुबह से आंख फड़फड़ा रही थी। एक ज्योतिषी ने कहा था मेरी कुंडली में काला नाग कुंडली मारकर हमेशा के लिए बैठने आ जाएगा। ये क्या किया शंकर? कुछ नहीं, इसका दिमाग ठीक कर रहा हूँ। ये क्या हाल बना रखा है और कहाँ गुम हो गए थे? पता है कितने कॉल किए? दोस्त, जब तुम्हारा कॉल आया मैं सबरीमला मंदिर में था, जब वापस आया तो पता चला तुम्हारा कॉल था, इसलिए सीधा उड़कर यहाँ। प्रॉब्लम की वजह ये तो नहीं, वैसे भी ये ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। कोई और है? अरे फिर से टपक पड़ा ये, 6 दिन में ही वापस आ गया, अब पता नहीं कितने दिन रहेगा। फिक्र मत कीजिए, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, सबको ठिकाने लगाकर निकल जाऊंगा। ठिकाने? सच कह रहा हूँ। हाय सुमित, कैसी हो तुम? जैसी थी वैसी ही है, बिल्कुल ब्लैंक चेक की तरह। मैं साइन कर दूंगा मुकेश। साइन करोगे? ए बाउंस हो जा, बाउंस हो जा। कैंसिल चेक पे साइन करेगा तो ठेंगा हाथ लगेगा। चल मैं कब करता हूँ। दरअसल इस घर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम की असली जड़ है दुर्गा, माली की पोती। माली काका की पोती दुर्गा? वैसे हमारी चहेती गंगा भाभी कहाँ है? गंगा, गंगा, गंगा कहाँ चली गई? गंगा, गंगा, गंगा। प्रिया, प्रिया बेटा, प्रिया, प्रिया कहाँ हो? ए बेटा प्रिया, आवाज इस कमरे से आ रही थी। पर ये तो बंद है, ये दरवाजा खोलना होगा वरना उसका दम घुट जाएगा। अच्छा सुमित आओ, 1 2 3। प्रिया, 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 क्या हुआ बेटा? मैं ऊपर कमरे में गई थी,
वहाँ कोई मेरा पीछा कर रहा था और जब मैं उससे बचने के लिए भाग रही थी तो पता नहीं कैसे मैं हवेली के पिछले हिस्से में पहुंच गई और उसके बाद मैं गिरकर बेहोश हो गई। मुझे बस इतना ही याद है। लेकिन वहाँ गई ही क्यों थी? मैं गंगा को ढूंढ रही थी। लेकिन तुझे किसने बताया कि गंगा ऊपर है? दुर्गा ने। दुर्गा ने? पर उसी के सामने तो मैं नहाने गई थी। फिर उसने ऐसा क्यों कहा? शंकर, ये सब क्या है? जो भी ये सब कर रहा है आखिर उसका मकसद क्या है? क्या हासिल होगा उसे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तुम्हें समझ आ रहा है? सुमित, जब तुमने और गंगा ने इस हवेली को खरीदने का फैसला किया तब मैंने इस हवेली के बारे में बहुत सालों पहले लिखी गई एक किताब को पढ़ा। उस किताब से मुझे हवेली के बारे में बहुत सारी अहम जानकारियां मिली। उस हवेली के सारे राज जानने के बाद, पूरी तरह तसल्ली हो जाने के बाद ही मैंने तुम्हें और गंगा को उस हवेली में जाने से नहीं रोका। उस रात जब मैंने ये नाटक किया था कि मुझे भी बाकियों की तरह भूत प्रेतों से बहुत ज्यादा डर लगता है, तब सबके सो जाने के बाद राजा विक्रमादित्य के कमरे के दरवाजे तक मैं कई बार गया था। दरवाजा बंद था और कुंडी पर कई सारे ताबीज लटके हुए थे। उन्हें हटा के दरवाजा खोलकर मैं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था, इसलिए दरवाजा खोले बिना ही लौट आया। मुझे अच्छी तरह पता था कि खतरे की कोई बात नहीं, इसलिए जब ईमेल आया तो मैं यहां से चला गया। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम उसी दिन से शुरू हुई है जिस दिन से वो दरवाजा खोला गया। चंद्रमुखी, और अब डरने की कोई बात नहीं क्योंकि मैं आ गया हूं। इस मनहूस हवेली को खरीदने से पहले ही मैंने सुमित बाबू को मना किया था, पर वो मेरी बात माने ही नहीं, और अब धीरे धीरे ये मुसीबत बढ़ती ही जा रही है और सब लोग तुम पर शक कर रहे हैं। अब सिर्फ शंकर बाबू ही इस परेशानी को ठीक कर सकते हैं, इसीलिए सुमित बाबू ने उन्हें यहां बुला लिया है। दुर्गा। दुर्गा या काली? शंकर की दुर्गा। ए, ये क्या है? कोई काम धाम नहीं है क्या? सुनो, घर का काम खत्म हो जाने के बाद सीधे यहां से दफा हो जाया करो। चलो यहां से, जाओ जाओ जाओ। दुर्गा, कौन है? चंद्रमुखी, आज रात मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम नहीं आई तो तुम्हें ढूंढते हुए मैं आ गया। मैं जानती हूँ आप कौन है। चलिए उठिए, उठिए। आप यहाँ क्यों आए? तुम घर पर हो या नहीं, बस यही देखने आया था। अब रात के वक्त मैं घर पे नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? सही कहा, तुम्हारी इस बात में दम तो है। एक बात कहूँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पर आए, लेकिन दादाजी की गैरहाजिरी में नहीं आना चाहिए। ओहो, हम कल सुबह बात करेंगे, ठीक है? अब जाओ यहाँ से। जाओ, कहाँ ना जाओ। जा रहा हूं। शंकर, गुड मॉर्निंग शंकर। अरे उठो।
गंगा, यहाँ क्यों लेटे हो? रात को बाहर ही सो गए थे क्या? वो रात को डांस प्रोग्राम देखकर लेट आया था ना, इसलिए। डांस प्रोग्राम मतलब? हाँ, कर्नाटकी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी वगैरह। वैसे ऊपर भी कोई डांस सीखता है क्या? नहीं तो, कोई नहीं सीखता। दुर्गा के क्लास के बच्चे पहले आते थे, पर अब तो वो भी नहीं आते। और वैसे भी रात को। तो फिर कल आधी रात को हवेली के पीछे वाले कमरे में घुंघरू पहनकर कौन नाच गा रहा था? घुंघरू पहन के? हाँ गंगा, सच कह रहे हो? क्या तुमने वाकई सुना था? कान दिए हैं तो सुनूंगा ही ना। मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश भी की, पर वो अंदर से बंद था। बंद था? हो ही नहीं सकता। जब से मैंने उस कमरे को खोला है, तब से तो वो खुला ही है। और वैसे भी उस कमरे में कोई नहीं जाता। ओ, अच्छा। हाँ। यानी कोई नाच रहा है, गा रहा है, घुंघरू की आवाजें आ रही है, ये सब मेरा वहम था क्या? चाय मैं बाद में पी लूंगा। आओ पहले ऊपर चलकर देखते हैं मायरा क्या। ना ना, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि घर में तो सबका यही मानना है कि उस कमरे के खुलने के बाद ही मुसीबतें शुरू हुई। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डरना कैसा? उठो चलो मेरे साथ, इसे यहाँ रख देता हूँ। शंकर, चलो चलो चलो। कहा था ना दरवाजा खुला है। हाँ, ये तो सच में खुला है। अच्छा, तो ये है राजा विक्रमजीत का कमरा। आहा, लगता है अय्याश किस्म का राजा था। ऐशो आराम की सभी चीजें हैं। ये कौन है? तो यही है राजा विक्रमजीत। देखने में तो ये बड़ा ही जालिम लग रहा है। इसका वो वाला कमरा कहाँ है? कौन सा वाला? वही जहाँ याशियां होती थी, चंद्रमुखी। हाँ। का चलो दिखाती हूँ। आजा, यही है उसका कमरा। वाह, राज नर्तकी चंद्रमुखी, इसे मारकर राजा ने कोई गलती नहीं की। ऐसा क्यों कह रहे हो? इतना खूबसूरत चांद सा चेहरा, संगमरमर सा ये तराशा हुआ बदन, ऐसी खूबसूरत हसीना को कोई किसी और की कैसे होने देगा? हाँ, क्या तुम वो डांसर विश्वनाथ का घर देखना चाहते हो? कौन विश्वनाथ? ओ, इसका वो साथी है। आओ तुम्हें दिखाती हूँ। देखो वो रहा, वही घर है उसका। ओहो, तो यहीं से गाकर बुलाती होगी वो विश्वनाथ को, है ना? आजा आजा प्रीतम आजा। यहाँ पर चंद्रमुखी का संदूक भी है, ये देखो। अरे बाप रे, कितना भारी है। ये देखो उसके कपड़े। आओ उसके गहने दिखाती हूँ। ये देखो उसका कमरबंद, ये उसका हार है, ये माथे का टीका, और ये घुंघरू भी उसी के हैं। अरे ये तो एक ही है, दूसरा वाला कहाँ गया? अरे गंगा, क्यों परेशान होती हो, यहीं कहीं होगा। ओहो, कॉफी ठंडी हो रही होगी, आओ चलकर दोनों पीते हैं। चलो आ जाओ। उस दिन तो इसमें दोनों घुंघरू थे, कहाँ गया होगा? मुझे ये खेल बहुत पसंद है। ये तो मेरी अर्धांगिनी है। हो, अच्छा तो ये बात है। डॉक्टर के साथ और सामने आप जैसा हो तो खेल का मजा दुगना हो जाता है। कौन से खेल की बात कर रही है? लाओ मुझे दो, अब मेरी बारी। मेरी बारी तेरी बारी, अभी आउट करता हूँ। अब देखती जाओ कैसे मैं निशाना लगाता हूँ। निशाना? ना 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 मुन्ना, ना 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 ना। तो ये खेल रहे हो कैरम बोर्ड? आपने क्या सोचा? सोचा नहीं लोचा, दूध के पतीले की रखवाली काली बिल्ली से करवा रहे। मेरे साथ कभी गोटी भी नहीं खेली और इसके साथ कैरम का ओवरटाइम कर रही है। करना पड़ता है मुकेश, ओवरटाइम करना पड़ता है। या तो तुम्हें कॉमेडियन जैसा नहीं होना चाहिए था, या बीवी हीरोइन जैसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोले बिना कुछ बोलता हूँ, वो भी तो सुन लेता है। कौन सी एक्सरे मशीन है जो हर बात सुन लेता है? मुकेश जी, कमर वाला किस्सा सुनाओ। अरे मुर्दे उठाने लगा है, चल चल चल, मैं क्या कर रहा था। गंगा? हाँ? गंगा, वो मंदिर गई है, कुछ चाहिए तुम्हें? आज सुबह से साइट पे बहुत ज्यादा काम था तो सर चक रहा है, बस एक कॉफी चाहिए थी। अरे कॉफी चाहिए ना तुम्हें, मैं लाती हूँ। जी थैंक यू। माँ कसम, जब से कम्बक डॉक्टर घर में आया मुझे दिल की बीमारी हो गई है, मेरी धड़कनों पे काला जादू कर दिया है। चंपा कली, आज इसको पतली गली ले जाऊंगा।
ये किसके लिए है? सुमित के लिए। एक काम करो, पहले मेरी दवाई लेकर आओ। उस मुन्ना को कहा था, वो अब तक लेकर नहीं आया। एक काम करो, तुम वो गोली लेकर आ जाओ। जी, अभी लाती हूँ। दुर्गा? हाँ जी। दुर्गा, अंदर कॉफी रखी है, सुमित को दे दोगी? जी। लाल रानी पहले गई, पीछे पीछे काला सिपाही, कुछ तो गड़बड़ है, ये ठीक नहीं हुआ। सुमान, चुप। अभी कॉफी किसने बनाई? दुर्गा ने। किसके लिए? सुमित के लिए। सुमित, 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 वो कॉफी मत पीना, वो कॉफी मत पीना, सुमित, सुमित, रुक जाओ। सुमित बाबू, कॉफी। क्या हुआ? क्या हुआ शंकर, कॉफी क्यों गिरा दी? इस कॉफी में जहर मिला है। जहर मिला? जहर? हाँ? कॉफी तुम लेकर आई थी ना? पर जहर मैंने नहीं मिलाया। झूठ बोल रही है। इन्होंने कहा था कॉफी देने के लिए। कॉफी मैंने ही बनाई थी, लेकिन उसमें जहर कहाँ से आया मुझे नहीं पता। एक बात समझ नहीं आई, कॉफी में जहर मिला है ये तुम्हें कैसे पता? ए लड़के, उस दिन गंगा की साड़ी में आग लगा दी और आज सुमित की जान लेना चाहती है तुझे? इसे जाने दीजिए। एक बात सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए, अगर किसी ने भी मेरे दोस्त को या उसकी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंदूराम जी, इस कॉफी में जिसने भी जहर मिलाया है अब वो गया काम से। चलो सुमित। ए, खड़ी क्या है, चल। इंसान के रूप में नागिन है, अब तुम भी चलो, चलो, चलो। हाँ हेलो, कौन? क्या कहा? अमेरिका से आचार्य जी वापस आ रहे हैं? वाह वाह वाह, तुम्हारे मुंह में गुड़ शक्कर। हाँ ठीक है ठीक है, मैं सारे इंतजाम कर लूंगा। ठीक है, क्या हुआ सुमित, टेंशन ले लिया तुमने तो? सुमित बेटा, ऐसी खबर सुनाऊंगा कि तुम खुशी के मारे और फूल जाओगे। आचार्य भयंकरानंद हमारे यहाँ पधारने वाले हैं। कौन है आचार्य? अरे उनका नाम नहीं सुना? बहुत बड़े तांत्रिक हैं वो, भूत बाधा प्रेत बाधा सबका इलाज करते हैं वो, आत्माओं के साथ कबड्डी खेलते हैं। यहाँ जिस चुड़ैल ने सबकी नाक में दम कर रखा है, आचार्य जी उसकी नाक में दम कर देंगे। सुमित बेटा, उनके आते ही हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। 50% डिस्काउंट मिला है। उनके यहाँ आने से पहले मुझे सारी तैयारियां करनी है, मैं चलता हूँ। हमारे देश की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, घर में कोई भी परेशानी हो बिना उसका कारण जाने तांत्रिक का सहारा लेने लगते हैं। शह, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। ऐसे लोगों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, इनके चक्कर में पड़े तो गए समझो। नो 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 नो, दूसरों की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। इस आचार्य जी के बारे में बहुत सुना है मैंने, आने दो उन्हें, देखते हैं वो क्या करते हैं। एक बार मिलने में कोई हर्ज नहीं, आने दो उन्हें। भयंकरानंद जी की जय। आओ, यहाँ पर एक बुरा साया है। कौन? कुर्सी को दक्षिण दिशा की तरफ रखो। धन्य भाग जो हमारे घर स्वामी जी पधारे। ध्यान से सुना स्वामी जी, एक हफ्ता मैं यहीं पर रुकूंगा, तब तक मेरी जरूरतों का पूरा ख्याल मेरे दोनों शिष्य रखेंगे, और इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगा मैं। और हाँ, एक और बात, अगले 7 दिन तक इस घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। हाँ।
कौन है ये? इनका नाम दिमाग का इलाज करते हैं। सुमित को ऐसा लगता है कि इस घर में जो चुड़ैल रहती है ना, उसे ये शहरी बाबू भगा देंगे। चंद्रमुखी का काला चिट्ठा मैं बताता हूँ। वो खून चूसने वाली काली डायन पूरी हवेली में यहाँ वहाँ मंडराती रहती है। मेरा कमरा कहाँ है? आइए दिखाता हूँ। ये कौन से बियाबान में लेकर आए? दूर दूर तक पक्की सड़क भी दिखाई नहीं दे रही। गड्ढों में हिचकोले खाते खाते मेरी कमर ओले ओले करने लगी है। अरे वाह, अच्छा अच्छा है, बाटक बंद है, चलो यू टर्न मारो। क्या हुआ इसे, सांप सूंघ गया क्या? मेरे बालों को भी हवा लग रही थी, असली है, विग नहीं लगा रखी। 2.5 रुपए का शैम्पू भी किया था। अब देख हेयर स्टाइल दिखाता हूँ, देख ताजा कंघी का चमत्कार। मुझे भी है अपने थोबड़े से प्यार। अबे 2 करोड़ की कार है, अपना गंदा थोबड़ा दिख रहा है, खाल खींच लूंगा। अबे खोलना था तो पहले खोल लेना था ना। कॉमेडियन हीरो बनता है तो ऐसा होता है। लावारी सड़क पर मुर्दे की तरह अकेला छोड़ के कहाँ चला गया, कहाँ ढूंढूं उसे? ए बका के, अरे ओ डॉक्टर, सीने में दिले की पत्थर, मुझे 3 भूखे कुत्ते नोच के चले गए। 26 किलोमीटर रेंगते रेंगते यहाँ तक पहुँचा हूँ, ना डॉक्टर है ना कंपाउंडर, पता है रास्ते में 10-10 फुट के गड्ढे है। अगर गिर गया होता तो तू मेरी अर्धांगिनी को क्या जवाब देता है? ए, 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 कहाँ जा रहा है? क्या कर रहे हो? जिंदगी में इसके साथ फिर कभी नहीं आऊंगा। नहीं बैठूंगा। तो फिर पैदल चले आना। ठीक है बैठता हूँ, दादागिरी करता है। भगा फटफटी। क्या हुआ सुमित, काम में बिजी हो? दिन रात काम करके कितना पैसा कमाओगे? किसने गिराया इसे? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं मैसेज कर रही हूँ मालिक। मुझे नहीं पता फिशटैंक कैसे गिरा, मुझे सच में नहीं पता ये कैसे गिरा। ए, बंद करिए ढकोसला, हम पहले भी 2 बार तेरी करतूत देख चुके हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैं बस ऊपर साफ सफाई कर रही थी। तेरे अलावा ऊपर कोई नहीं था, अगर तुमने नहीं गिराया तो अपने आप गिर गया। हाँ, आखिर क्यों पड़ी है तू हमारे पीछे, क्या जरूरत थी तुझे वहाँ ऊपर जाने की? ऊपर कॉफी गिर गई थी, बड़ी मैंने साफ करने के लिए कहा इसलिए साफ कर रही थी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने नहीं किया। क्या नहीं जानती, क्या नहीं जानती? हाँ, नो 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 नो, पानी अब सर से ऊपर चढ़ गया है। जब इसे ये नहीं पता कि वो वहाँ से कैसे गिरा। दुर्गा, दादाजी, मालिक, मेरी दुर्गा ने कोई गलती नहीं की, वो बेकसूर है, उसे जाने दीजिए मालिक। मालिक, क्योंकि हम लोग गरीब है इसलिए आप हम पर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, सता रहे हैं। ये दाग लग गए तो इससे शादी कौन करेगा? मैं आपसे भीख मांगता हूँ मालिक, मेरी दुर्गा को जाने दीजिए। मालिक, 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 दरवाजा खोलिए मालिक, मालिक। आप तो मेरा यकीन कीजिए। ये घुंघरू किसका है, ये यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं पता ये घुंघरू किसका है,
घर की साफ सफाई करते वक्त मुझे जमीन पर गिरा मिला था, इसलिए मैंने ऊपर रख दिया, और कुछ नहीं जानती। दुर्गा, मुझे जाने दीजिए। मालिक, क्या हुआ दुर्गा को? आप उसे बंद क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी। दुर्गा को एक ट्रीटमेंट दिया है, वो आराम कर रही है, उसे डिस्टर्ब मत करना। आपकी पोती को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। वो फिश टैंक गिर गया था या गिराया गया था? अरे गंगा, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? क्या हुआ? दुर्गा की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। क्यों? ना मैं उसे चंद्रमुखी के कमरे की चाबी बनवाने के लिए कहती, ना उस बेचारी की आज ये हालत हुई होती। तुम तो डॉक्टर हो ना शंकर, क्या उस बेचारी दुर्गा की इस बीमारी का तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं है? अरे एक बात बताना भूल गया, उस दिन तुमने कहा था ना चंद्रमुखी का एक पैर का घुंघरू गायब है, वो मिल गया है। वो कहाँ मिला? दुर्गा के पास। मैं जानती थी। हाँ? यही यही तो है वो दूसरा वाला घुंघरू। तुम्हें यकीन है कि 150 साल पहले चंद्रमुखी ने जो घुंघरू पहना था वो यही है? बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं सच कह रहा हूँ, ये वो वाला नहीं है। मुझे पूरा यकीन है ये वही घुंघरू है। देखो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये वो घुंघरू नहीं है। शंकर मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो? मैं कोई खेल नहीं खेल रहा, चाहो तो इसका सबूत भी मिल जाएगा। इस घुंघरू के बारे में तुम कुछ नहीं जानती हो। क्या कहा? मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। ओहो, ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, नाराज क्यों हो रही हो? इसके लिए हम दोनों क्यों लड़े? ओके ओके, ये घुंघरू चंद्रमुखी का ही है। गंगा गंगा, अजीब बात है, जवाब ही नहीं दे रही। तुम दोनों का झगड़ा हुआ क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दुर्गा के लिए परेशान है। क्यों, क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आओ। कौन है वहाँ? मैं हूँ विक्रमजीत, तुम्हारा विक्रमजीत। दरवाजा खोलो। बहुत बेताब हो क्या? दरवाजा खोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चले जाओ वरना मार डालूंगी। ए, चंद्रमुखी, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी मौत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जान ले लूंगी तुम्हारी। ये मुमकिन नहीं है। कौन रोकेगा मुझे? मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो फिर सामने आओ, मार डालो मुझे। आज नहीं, दुर्गाष्टमी के दिन, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें।
अगली दुर्गाष्टमी के दिन ना। तो फिर अब क्यों आई हो? दफा हो जाओ, दुर्गाष्टमी के दिन आना। भागो यहाँ से, भागो। जाती हूँ पर लौट कर आऊंगी। क्या हुआ स्वामी जी? मेरी कोशिश में किसी ने विघ्न डाला है। चंद्रमुखी को यहाँ लाना चाहता था मैं, किसी ने उसकी दिशा मोड़ दी है। यही तो सबकी दिशा की दुर्दशा है। मनोती कहाँ से आ गया बीच में? ये क्या किया? चंद्रमुखी को रोककर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। नहीं, मैंने बिल्कुल सही किया। डॉक्टर साहब, आखिर क्यों मौत से खेलने की कोशिश कर रहे हो? ये दवा दारू से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। इस साय को सिर्फ स्वामी जी ही भगा सकते हैं। अच्छा। कैसा आदमी है ये? भूत प्रेत को इंजेक्शन लगाकर ठीक नहीं कर सकते, ये बात इसकी छोटी सी खोपड़ी में क्यों नहीं आ रही है? ये क्या कर रहे हो शंकर बाबू? जुकाम हो गया, भाप ले रहा हूँ। भाप से जुकाम ठीक हो जाता है। अगर दवाई लो तो 7 दिन में जाता है, और अगर भाप ले लो तो 1 ही दिन में गायब। भाभी, आपने सुमन को कहीं देखा है? मुझे दिखाई नहीं दे रही। घर में ही होगी। वास्तु के हिसाब से हर जगह ढूंढ लिया। अच्छा, ये क्या, तुम्हें भी जुकाम हो गया? 2 दिनों से। अरे तो खड़ी क्या हो, आओ दोनों एक साथ भाप लेते हैं, जुकाम ठीक हो जाएगा। बड़े भैया, बड़े भैया, क्या आपने सुमन को देखा है? मेरे देखने के बाद ही तो तूने उसे देखा था। अरे तो मुझे दिखाइए ना। अरे चुप कर, अकल के दुश्मन। जब तेरे रिश्ते के लिए गए थे ना, तो सबसे पहले मैंने ही सुमन को देखा था। अच्छा, ये बात है। दम घुट रहा है, बस कीजिए ना। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। पैर अंदर कर लो और चादर को जरा कस के दबा लो। अरे ये तो मेरी सगी वाइफ सुमन है, जो मेरा तन मन और धन है। पसीना आ रहा है। पसीना तो आएगा ही ना। अच्छा, तुम्हारे पति को इस बारे में कुछ नहीं पता क्या? वो तो अनाड़ी है। बिल्कुल सही कहा। कुछ भी कहो, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है। अरे मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ। यही दिन देखना बाकी था। मजा आ गया। एकदम जबरदस्त था। जबरदस्त था? मेरी हस्ती खेलती नैया पे डॉक्टर छैया कर रहा है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। इस 16 तारीख को बेटी की सगाई है, और उसके बाद 20 तारीख को शादी भी है। पहला निमंत्रण आपको दे रहा हूँ, स्वीकार कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि शादी निर्विघ्न संपन्न हो जाए। फिक्र मत करो, अगले 2 दिन में तुम्हें सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद स्वामी जी। दीदी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आपने सगाई पर आने से मना कर दिया। मेरे नहीं आने से क्या प्रिया की सगाई रुक जाएगी? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? आप ही के कहने पर तो हमने सगाई तय की थी ना। आप तो ये रस्म धूमधाम से करना चाहती थी, पर अब मना कर रही हूँ। रोक दो। कैसे रोक दूं? पसंद नहीं है तो उसी दिन कहना था ना। अब कार्ड बटने के बाद कह रही हो कि शादी कैंसिल। प्रिया को तुमसे ज्यादा मैंने प्यार किया है, इसलिए उसका दूल्हा चुनने का हक मेरा है, ना कि उस घमंडी डॉक्टर का। मैं नहीं आऊंगी दीदी। वो किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। अरे 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 अरे, Oh!
गंगा, 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 गंगा। गंगा कहाँ है? सोच क्या रहे हो? गंगा कहाँ है? आओ उसे ढूंढते हैं। गंगा, 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 गंगा। शंकर, वो देखो, गंगा, गंगा। मैंने कुछ नहीं किया सर, उन्होंने, मैंने नहीं, उन्होंने किया जो कुछ किया। सर, कल रात जो हुआ मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जब वहां से गुजर रहा था तो उन्होंने ही मेरा हाथ पकड़ लिया। विश्वनाथ, मैं जानता हूं तुम्हारी गलती नहीं है। यहाँ क्या कर रहा है तू? कल रात गंगा के साथ बदतमीजी करने के बाद हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल निकल यहाँ से। शंकर के इंसान के रूप में एक भेड़िया है, इसकी भोली सूरत पर भरोसा करके इसे घर में जगह देनी ही नहीं चाहिए थी। चल निकल यहाँ से। देखिए सर, यकीन कीजिए मेरी कोई गलती नहीं, आप सबको गलतफहमी हो रही है। हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहता है तेरी। तुम गलत सोच रहे हो, विश्वनाथ की इसमें कोई गलती नहीं है। क्या मतलब?
गंगा ने इसे बुलाया। तुम मेरी गंगा पे इल्जाम लगा रहे हो? तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? देखो बस करो, खामोश हो जाओ। जो गंगा माँ की तरह पवित्र है उस गंगा पे इतना घिनौना इल्जाम लगाया तुमने। ये तो इल्जाम लगाएगा ही ना, क्योंकि यही तो इसकी चाल थी। ये तुम्हारी गंगा पर गलत इल्जाम लगाकर इसे सही साबित करना चाहता है। देखिए मेरी बात सुनिए, दरअसल मैं तुम्हारी चाल अच्छी तरह समझ चुका हूं। चुप हो जाओ। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए इज्जत थी वो आज खत्म हो गई। कौन सी इज्जत? ये इज्जत के लायक है? क्या हो गया? ये सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने आया है। इसे घर से बाहर निकालो। बस दो ही दिनों में इस घर की सारी समस्याएं सुलझाकर मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। हमारी जिंदगी तबाह करके आप क्या सुलझाओगे तुम? पहले मेरी बात तो सुनिए। निकल यहाँ से, चल निकल बाहर। बड़े भैया ने तुझे पाला इसलिए मैं चुप था। अरे आकर तूने अब तक किया भी क्या है? तुझे तो धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। जो कहना है मुझे। सुमित ये ठीक नहीं हो रहा। हमें हमारे हाल पे छोड़ दे तू, चल निकल यहाँ से। देखिए मिस्टर नंदूराम। सुना नहीं क्या? ऐसे नहीं मालिक। मालिक आप ये क्या कर रहे हैं? जो हम सबको बचाने के लिए आया था आप उसी को मार रहे हैं, उसे ही घर से बाहर निकाल रहे हैं। देखिए नंदूराम जी, मेरी बात तो सुनिए, मुझे बस दो दिन चाहिए इस घर की सारी समस्याएं सुलझाने के लिए। तेरे झांसे में हम बहुत आ गए, अब जो भी करवाना है हम स्वामी भयंकरानंद से करवा लेंगे। देखिए मेहरबानी कर निकल यहाँ से, चल। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इतने महान इंसान को घर से बाहर निकालकर इसके लिए भुगतोगे तुम। स्वामी जी इसने अब तक हमारे साथ। खामोश हो जाओ और अपना मुंह बंद रखो। मुझे सब मालूम है, शंकर का इस घर में रहना मेरे रहने से भी ज्यादा अहमियत रखता है। फोन पूछो, महान इंसान का खून गिरना नहीं चाहिए। अगर आज इस घर में सब लोग सही सलामत हैं, तो वो मेरी पूजा से नहीं बल्कि इनकी बदौलत है। उस दिन जब इन्होंने मेरी पूजा में विघ्न डाला तो मुझे लगा ये सब बर्बाद करना चाहते हैं, पर इन्हें देखकर मुझे ये महसूस हुआ कि ये भी मेरी ही तरह है। उस साय को इस घर से दूर करना चाहते हैं। इनकी आंखों की चमक और चेहरे का तेज सब कुछ बयान कर रहा था, इसलिए मैंने इनसे मिलकर इन बातों को जानना चाहा कि ऊपर क्या हुआ था। इन्होंने जो कुछ भी बताया वो सुनकर मैं कांप गया। चंद्रमुखी ने कई बार सुमित पर हमला किया, पर शंकर की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाई। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अमेरिका के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक के शिष्य हैं ये। इतना ही नहीं, अमेरिका के बड़े बड़े रहस्य को सुलझाने वालों में इनका नाम बड़े शान से लिया जाता है। ऐसे महान इंसान को तुम घर से निकालना चाहते थे, वो भी बेइज्जत करके? अरे कितने बदकिस्मत हो तुम, धिकार है तुम पर। आचार्य जी मुझे बोलने दो। गंगा पर इल्जाम लगाने की वजह से आप सभी ने घर से बाहर निकाल रहे थे, पर क्या आप लोगों को इस बात का अंदाजा है कि उसी गंगा की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पे लगा दी? पता है अगर गंगा को बचाना है तो शंकर को मरना होगा, यही विधि का विधान है। मैं जानता हूं तुम्हें यकीन नहीं होगा, शंकर जो तुमने मुझे बताया वो सब इनको भी बताओ। जी मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, जो दूसरों की जान बचाना चाहता था मैं उसी की जान लेना चाहती थी। जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। यहां जो भी हो रहा है उसकी वजह ना तो दुर्गा है और ना ही घर के बाहर का कोई इंसान। चंद्रमुखी के वश में जो है वो कोई और नहीं, तुम्हारी गंगा है। जब तुमने मुझे फोन करके यहां बुलाया था तो ये बताया था कि इस घर की सारी परेशानियों की वजह दुर्गा है, लेकिन दुर्गा से मिलके मुझे यकीन हो गया कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। उस दिन जब रात को करीब 12 बजे के बाद मैंने चंद्रमुखी के कमरे से घुंघरू पहनकर नाचने की आवाजें सुनी, तब मैं वहां गया, पर मेरे जाते ही आवाजें बंद हो गई। मैंने ये जानने की बहुत कोशिश की कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इस दौरान जब मैं तुम्हारी पत्नी गंगा को चंद्रमुखी के कमरे में लेकर गया, तब पहली बार मैंने गंगा का बहुत ही अजीब बर्ताव देखा। ये कमर बंद है। अब तक मैंने गंगा को ऐसा अजीब बर्ताव करते कभी नहीं देखा था। वो किसी साइकिक वाइब्रेशन के प्रभाव में थी, और उसी वक्त मैं समझ गया था
कि चंद्रमुखी के वश में कोई और नहीं, गंगा ही है। अपने अंदाजे को यकीन में बदलने के लिए मैंने गंगा को चंद्रमुखी का घुंघरू दिखाते हुए झूठ कहा कि वो घुंघरू चंद्रमुखी का नहीं बल्कि किसी और का है। मेरा यकीन मानो, ये घुंघरू चंद्रमुखी का नहीं है। उस वक्त मैंने गंगा को चंद्रमुखी के रूप में तब्दील होते हुए देखा। गंगा, तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती। जानती हूँ। अरे अरे शांत हो जाओ, रिलैक्स। इतनी नाराज क्यों हो रही हो? हाँ सुमित, गंगा चंद्रमुखी में बदल जाती है, यही है उसकी दिमागी बीमारी। 26 साल की ये लड़की 60 साल की एक बूढ़ी औरत की तरह बोलती है, ठीक वैसे ही जैसे एक 5 साल का बच्चा अपने दादा की नकल करता है। मेडिकल लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी, यानी एक ही शख्स में कोई दूसरी शख्सियत भी रहती है, अ पोजेशन स्टेट। गंगा इसी बीमारी का शिकार है। ये जानने के लिए कि हंसने खेलने वाली गंगा को यह बीमारी कैसे हुई, एक दिन मैं मुकेश को साथ लेकर गंगा के गांव गया। आप गंगा की जिंदगी का सिर्फ एक पहलू जानते हैं, पर उसकी जिंदगी का उससे हटकर एक दूसरा पहलू और भी है, ये मैंने उसके गांव जाकर जाना। गंगा के पिताजी ने अपनी बिरादरी से बाहर किसी लड़की से शादी कर ली थी, इस वजह से उनकी बिरादरी वालों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया था। यहां तक कि जब गंगा के पिता की मौत हुई तब गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया था। ये बेइज्जती उसका पहला सदमा था, उसका पहला साइकिक डिसऑर्डर। बचपन में ही अनाथ हो चुके गंगा को उसकी नानी ने अपने साथ रखने का फैसला किया। माता पिता को खो देने के बाद गंगा नानी की कहानियां सुनकर ही बड़ी हुई। जब वो कहानी सुनती तो खुद को उस कहानी का किरदार समझने लगती। जब गंगा के 10वीं के इम्तिहान थे उस वक्त उसकी नानी बीमार पड़ गई। दिन भर उनका ख्याल रखने की वजह से वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती थी, और इसी वजह से दूसरे दिन वो ठीक से इम्तिहान नहीं दे पाई। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर अपनी आंसर शीट फेंक देने वाली गंगा को आज तक उसकी क्लास टीचर भुला नहीं पाई। गंगा की बीमारी के बारे में उसकी नानी को कुछ पता नहीं था, और उन्हें पता चलता उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। नानी की मौत के बाद गंगा ने अकेलेपन से जूझने के लिए मौज मस्ती का रास्ता अपना लिया, और जब माँ ने उसे विंध्यपुरम हवेली और उससे जुड़े इतिहास के बारे में बताया तभी से उसने इस हवेली को खरीदने की रट लगाई। हवेली में आने के बाद गंगा अपनी बेकरारी को रोक नहीं पाई और वो चंद्रमुखी के कमरे में पहुंच गई। वहीं पर गंगा ने पहली बार चंद्रमुखी को देखा। धीरे धीरे वो चंद्रमुखी का रूप लेने लगी। चंद्रमुखी की तरह खड़े रहना, चंद्रमुखी की अदाओं में नाचना, चंद्रमुखी गंगा पर हावी हो चुकी थी। चंद्रमुखी और गंगा एक हो चुके थे। इतना कुछ होने के बाद भी मुझे आज तक पता नहीं चला। चंद्रमुखी में बदलने वाली गंगा को तुम्हारे सोने और जागने के बारे में सब कुछ पता है, और अब विश्वनाथ पर गलत इल्जाम लगाने वाली तुम्हारी गंगा ही है। क्यों क्यों क्यों? सुमित, गंगा जब चंद्रमुखी का रूप लेती है तो उसे अपने प्रेमी विश्वनाथ की झलक इस डांस टीचर विश्वनाथ में नजर आती है। उस दिन उसने प्रिया को मारने की कोशिश की ताकि वो विश्वनाथ को हासिल कर सके, और नाकाम होने पर विश्वनाथ पर गलत इल्जाम लगाकर गंगा ने प्रिया और विश्वनाथ की मंगनी तोड़वाने की कोशिश की। ठीक है, मान लिया, पर वो मुझे क्यों मारना चाहती है? गंगा जब चंद्रमुखी का रूप लेती है तो अपने प्रेमी को हासिल करने की चाहत में जो भी रास्ते में आता है उसे खत्म करना चाहती है। उसके रास्ते का रोड़ा तुम हो, इसीलिए तुम्हें जान से मारने की उसने 2 बार कोशिश की। जब फिश टैंक गिरा था तब घर के सारे लोग परेशान हो गए थे सिवाय गंगा के। गंगा के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। फिर मैं दुर्गा को वहां से उसके कमरे में ले गया और वहां उसे गंगा की सारी सच्चाई बता दी। गंगा की परेशानी जानने के बाद दुर्गा उसके सारे इल्जाम अपने सिर पर लेने को तैयार हो गई, और उसी वक्त उसने ठीक है मैं सारे इल्जाम ले लूंगी, इल्जाम अपने सिर लेने का नाटक किया, जिस वजह से गंगा फिर से बेफिक्र होकर घूमने लगी। चंद्रमुखी बनने के पीछे उसका मकसद क्या है ये जानने के लिए आचार्य जी की परवाह न करते हुए मैं खुद राजा विक्रमजीत बनकर वहां गया। छड़ी और जूतों की आवाज सुनने के बाद उसे यकीन हो गया कि मैं वही विक्रमजीत हूं जिससे वो नफरत करती है। उसने खुद मुझसे कहा कि आने वाली दुर्गाष्टमी के दिन राजा विक्रमजीत को मारना ही उसका मकसद है। चंद्रमुखी का यह मकसद पूरा नहीं हुआ तो हमें गंगा कभी नहीं मिलेगी। इसका मतलब दुर्गाष्टमी को विक्रमजीत की जगह वो तुम्हें मारने वाली है? हाँ।
क्योंकि जिसे वो राजा विक्रमजीत समझ रही है वो मैं। अगर चंद्रमुखी का यह मकसद पूरा नहीं हुआ तो वो अपने आप को मिटा देगी और तब मरने वाली चंद्रमुखी नहीं हमारी गंगा होगी। अब इस खेल में बेकसूर गंगा जिंदा रहेगी या मेरी बलि चढ़ेगी ये मैं नहीं जानता। सुमित, सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि चंद्रमुखी बार बार उसके शरीर में आती जाती रहती है और उस मासूम को तो पता भी नहीं। सुमित दरवाजा खोलो ना। ये क्या, दरवाजा बाहर से क्यों बंद किया? वो दुर्गा ने किया होगा। दुर्गा? और ये देखो ना, मेरी साड़ी भी किसी ने फाड़ दी। ये भी दुर्गा ने ही किया होगा। अच्छा, कल का डांस कैसा लगा? किस डांस की बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मुझे तो नींद आ गई थी बस। अरे दामाद जी, आप कब आए? किसी ने कॉफी पूछी या नहीं? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए, आप इस घर के दामाद हैं, कॉफी तो पीनी ही पड़ेगी। रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। देखा, गंगा को कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। आखिर ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? मैं कितनी खुदगर्ज थी जो तुम्हें मारना चाहती थी। तुम तो वो फरिश्ता हो जो अपने दोस्त की जान बचाना चाहते थे। मुझे माफ कर दो, मैं अभागन सबसे बदला लेना चाहती थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने जिसे चाहा वो मेरा नहीं हो सका, और वहीं तुम अपने उस दोस्त के लिए जान देना चाहते थे। वाकई तुम बहुत महान हो शंकर, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझ जैसी घमंडी स्वार्थी औरत की आंखें खोल दी। मैं तुम्हारे सामने अपना सिर झुकाती हूं, मुझे माफ कर दो शंकर। अपनी कोख से तो किसी को जन्म नहीं दे पाई, पर अगले जन्म में तुम मेरे बेटे बनकर आना। मैंने अपनी जिंदगी में कई मरीजों को ठीक किया है, लेकिन आज तक ऐसा मामला कभी नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बचोगे, तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं मनोवैज्ञानिक तरीके से गंगा को चंद्रमुखी से अलग तो कर दूंगा, लेकिन चंद्रमुखी को पूरी तरह मिटाने की शक्ति आपकी पूजा में ही है, इसलिए मेहरबानी करके आप गंगा के लिए पूजा कीजिए। अवश्य करूंगा। आज दुर्गाष्टमी है, चंद्रमुखी राजा से बदला लेने की कोशिश करेगी। आज चंद्रमुखी का मकसद पूरा होगा और आज ही के दिन तुम्हारी गंगा को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। रात भर गंगा आराम से सो रही थी ना, अब उससे जाकर कहो कि आज रात हम यहां नहीं ठहरेंगे, और साथ ही उससे यह भी कहना शहर जाकर प्रिया के लिए गहने खरीदने हैं। वो क्यों? देख लो, तुम भी उसका असली रूप। गंगा, हमें इसी वक्त यहां से चेन्नई जाना होगा। क्यों? वहां से हम प्रिया का प्रेजेंट खरीद कर कल वापस आ जाएंगे। आज जाना है? आज अभी। लेकिन आज ही क्यों? कल यहां पर हमारी जरूरत होगी, इसलिए आज ही जाना पड़ेगा। नहीं जाना मुझे। तुम चलो। कहना नहीं जाना। तुम चलो। नहीं जाऊंगी। तुम्हें चलना पड़ेगा। जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा प्यार छीना है उसने। गंगा, अभी अभी मैंने कुछ किया ना? झूठ मत बोलो। नहीं, मैंने कुछ किया ना? बोलो ना।
क्या किया मैंने बोला? कुछ नहीं किया। मैंने जरूर कुछ किया। सच कह रहा हूँ। कुछ नहीं। मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझ कर नहीं किया। मैं जानता हूँ गंगा। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रही थी। मुझे छोड़ना मत। मुझे माफ। उठो गंगा। माफ कर दो मुझे। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे छोड़कर मत जाना। मत छोड़ना। बस शंकर बस, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। गंगा की ऐसी हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं उसे ऐसे तिल तिल मरता नहीं देख सकता। भगवान के लिए चले जाओ यहां से। मेरे चले जाने से क्या गंगा ठीक हो जाएगी? होगी, मैं इलाज कराऊंगा। अमेरिका, चाइना, जापान, जहां भी हो सकेगा ले जाऊंगा, पर उसका इलाज कराऊंगा। शंकर, मैं उसकी खातिर अपने दोस्त को मौत की तरफ जाते नहीं देख सकता। सुमित, मैं एक डॉक्टर हूं। अपनी जान की खातिर अगर पेशेंट को छोड़कर भाग जाऊं तो लानत है मेरी डॉक्टरी पर। देखो सुमित, गंगा का इलाज तुम दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर करवा लो, उसे कोई नहीं बचा सकता। इस पूरी दुनिया में अगर गंगा को कोई ठीक कर सकता है तो वो मैं हूं। फिक्र मत करो सुमित, चंद्रमुखी से गंगा को बचाने के लिए मैं साइकोसिस का एक नया तरीका अपनाने वाला हूं। उस तरीके से मैं गंगा को जरूर बचा लूंगा। तुम गंगा को तो बचा लोगे, मुझे पूरा यकीन है, पर उस वैशी चंद्रमुखी से तुम्हें कौन बचाएगा? सर, आपने मुझे क्यों बुलाया? सर, बताता हूं। सुमित, तुम भी आओ। चलो। ये विक्रमजीत राजा का दरबार है। यहीं पर उसने आज से कई साल पहले चंद्रमुखी को जिंदा जलाया था। वहां पर आचार्य जी ने पूजा के लिए जो चक्र बनाया है, हमें किसी भी तरह गंगा को वहां लाना है। विश्वनाथ, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। देखो, अपनी पत्नी को जो पूरी तरह चंद्रमुखी बनी हुई है।
सुमित, याद है ना मैंने क्या कहा था? बी स्ट्रॉन्ग, विजय हमारी होगी। राजा धीराज, विंध्यपुरम के महाराज विक्रमजीत जी सभा में पधार रहे हैं। क्यों आई है यहाँ? अपना बदला लेने। किससे? उससे। उससे। आज दुर्गा अष्टमी है, आज उसे मेरे हाथों से मरना ही होगा, नहीं छोड़ूंगी उसे। उसे मारने के बाद क्या तुम इस शरीर को छोड़ दोगी? हाँ छोड़ दूंगी। ए, उस पर तेल डालो। ये लो, इस मशाल से उसे जलाकर राख कर दो। लका 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 लका। अब तुम धीरे धीरे होश में आ रही हो, अपनी आंखें खोलो। तुम्हारा नाम क्या है? गंगा। पूरा नाम क्या है? गंगा राघवन। मैं कौन हूं? शंकर। वो कौन है? अरे माँ जी। शंकर, आखिर तुमने हम सबको मिला ही दिया। तूने जो वादा किया था वो पूरा हो गया बेटा। देखो सुमित, मैंने कहा था ना मैं तुमसे तुम्हारी गंगा सही सलामत लौटा दूंगा। अब चाहो तो अपने बेडरूम को चंद्रमुखी के रूम में शिफ्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप दोनों दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं,
ट्रीटमेंट के लिए नहीं, तो फिर डुएट गाने के लिए। इन दोनों का तो ठीक है, बताओ तुम शादी कब कर रहे हो? हाँ बताओ। मैंने भी एक लड़की पसंद की है। कौन कौन? वो हट हट हट, फॉलो मी। ये सिटी किसके लिए? मेरी वाली के लिए। हाँ दुर्गा, बच गया, कबाब में से हड्डी निकल गई। अरे क्या हुआ? ये तो खुशी की बात है क्योंकि घर में छोटा मुकेश आने वाला है।